और स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल फिनोलॉजी मार्केट में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले कुछ ऐसे स्टॉक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जो आपको जरूर मुनाफा दे सकते हैं दोस्तों, तो उसीलिए वीडियो पे पूरा बने रहिए, कहीं पर भी स्किप मत कीजिए। और एक निवेदन आपको जरूर करना चाहेंगे दोस्तों कि हम लोग जो भी वीडियोज़ बनाते हैं इतना मेहनत करते हैं उसके लिए ताकि आपको मुनाफा हो, तो प्लीज़ एंड प्लीज़ आपका जो भी सब्सक्रिप्शन रहेगा वो हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हम लोग के चैनल को ग्रो होने के लिए हेल्प कर सकता है, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करके हम लोग को एनकरेज जरूर कीजिए। धन्यवाद। अभी आज के वीडियो को और आपको ये तो मैं बता सकता हूँ दोस्तों कि ऐसा इन्फॉर्मेशन शायद ही आपको किसी ने दिया रहेगा आप लोगों को, और जहाँ पे ये वीडियोस में दिखा रहा हो दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ स्टॉक का नाम दिख रहा है, और एक्चुअली स्टॉक में दोस्तों ये जो है म्यूचुअल फंड का है, और इसमें आप SIP द्वारा जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इसमें आप कितना रिटर्न देखेगा, कितना परसेंट मतलब कितना रैंकिंग है वो पर्टिकुलर स्कीम का, या फिर AUM कितना है वन वीक में कितना रिटर्न दिया है, और वो डेटा आपको एक्सेल में भी कैसे डाउनलोड करना है सब डेटा दिखा देंगे। तो उसमें फ़ायदा आपको क्या होगा सोच रहे हैं आप? इसमें फ़ायदा दोस्तों आपको क्या होगा, जैसे भी आप देख सकते हैं कि अभी स्टॉक मार्केट में अपडाउन चल रहा है, उसी के चलते अगर आप सोच रहे हैं SIP में इन्वेस्ट करने का, तो आपको उसके लिए एक स्कीम चुनना पड़ेगा कि इसमें आपको इन्वेस्ट करना है। तो वो स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए आपको जानना है कि कौन सा स्कीम आपको कितना रिटर्न देगा, उसका रैंकिंग क्या है, एक साल में 10 साल में कितना रैंकिंग है उसका, और उसको कितना रिटर्न दिया है वो पर्टिकुलर स्कीम ने। तो उसके लिए दोस्तों ये ग्राफ दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये जो है ये हिस्टोरिकल डेटा है, तो आपको बताना चाहेंगे दोस्तों इसमें आप जो है शॉर्ट भी कर सकते हैं। ये देखिए प्राइस रैंक के हिसाब से शॉर्ट भी कर सकते हैं 5 और 4 रैंकिंग के हिसाब से। तो वीडियो पे पूरा बने रहिए दोस्तों, कहीं पर भी स्किप मत कीजिए। देखिए दोस्तों अगर मैं इसको अभी 5% में आपको पहले का जो है अभी लेटेस्ट के हिसाब से दिखा रहा हूँ, रैंकिंग के हिसाब से अगर आप जाते हैं तो दोस्तों एक्सिस मिडकैप फंड जो है वो आपको जो है अच्छा एक भरोसामंद स्कीम के हिसाब से आप देख सकते हैं। उसका 1 वीक का एक हफ्ते का अगर आप रिटर्न देखते हैं 8.36 है, जो कि बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। उसी जगह पे एक चीज़ आपको दिखाना चाहेंगे दोस्तों कि अगर आप रिटर्न के हिसाब से इसको शॉर्ट किया, अभी देखिए इसमें कोटक स्मॉल कैप फंड, तो इसका आप देखिए दोस्तों क्राइसल रैंक जो है 4 का रेटिंग है इसको, और इसका AMO भी यहाँ पे दिख रहा है आपको दोस्तों, ये देखिए। और उसके बाद इसका आप 1 वीक का रिटर्न देखिए 4.82%। तो ये सब दोस्तों 1 वीक के हिसाब से अच्छा है, लेकिन जैसे कि बहुत सारे ब्रोकर है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करवाने के लिए आपको हेल्प करते हैं, बट उसमें कैसा है आपको वो लोग जो सजेस्टेड देते हैं वहाँ पे जाके आप थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सही में वो उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। तो दोस्तों इसी रीज़न से मैं ये अभी ग्राफ दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपको इसमें इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि मतलब कौन सा डिटेल्स इसमें कौन सा स्कीम में आपको पैसा लगाना चाहिए, और उसका एक्चुअल रैंकिंग क्या है, और उसको एक साल में ये देखिए एक साल में क्या रिटर्न दिया है, 10 साल का जो है दोस्तों मैक्सिमम यहाँ पे रहता है, 10 साल में कितना रिटर्न दिया है, 5 साल में कितना, वो सब आप देख सकते हैं दोस्तों। तो उसके बेसिस पर आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि ये जो है एक बढ़िया आपको डेटा मिल जाएगा ये साइट से, और आपको अगर ये साइट का नाम जानना है दोस्तों तो हम लोग को कमेंट में बताइए, हम लोग जो है साइट का नाम भी आपको देने की कोशिश करेंगे ये वीडियो में, और ज़रूर दे देंगे दोस्तों। तो आपको एक बात बताना चाहेंगे दोस्तों, जब भी आप ये देखते हैं तो हम लोग यही आपको मतलब ये करेंगे कि रिक्वेस्ट करेंगे हमेशा आप जो है रैंकिंग के हिसाब से देखिए, क्योंकि ट्रस्टेड रहता है वो रैंकिंग के हिसाब से। आप देखते हैं तो 5 रैंकिंग में आप देखेंगे DSP नेचुरल रिसोर्सेस बहुत सारा है 5 रैंकिंग में, उसमें देखिए आप एक हफ्ते में 6.01% दिया, और यहाँ पे आप फिर देखिए इन्वेस्टको इंडिया उसका भी 5 रैंकिंग है 7% रिटर्न दिया एक हफ्ते में। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग क्या करते हैं इसमें एक साल का रिटर्न में देखते हैं, एक साल में किसने अच्छा खासा रिटर्न दिया है, एक साल का रिटर्न यहाँ पे हम लोग जाएंगे दोस्तों। आप थोड़ा स्क्रीन पे नज़र दीजिए दोस्तों, स्क्रीन पे आपको जो है अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, स्क्रीन पे नज़र दीजिए और बात के जो हम लोग बोल रहे हैं उसको भी ध्यान दीजिए। ये देखिए एक साल में रिटर्न में आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे 5.07% जो एकदम लोएस्ट है, तो मतलब ये डाउन हुआ है एक्सिस मिडकैप फंड, उसका 5 रेटिंग है एक साल में 8.36% रिटर्न दिया है, बट अगर वही चीज़ सॉरी एक हफ्ते में 8.36% रिटर्न दिया है, वही चीज़ अगर आप एक साल में देखते हैं दोस्तों तो 4.07 माइनस में चल रहा है। तो कभी भी आप कोई भी SIP में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो पर्टिकुलर ब्रोकर है वो हमेशा बताता है कि 5 साल के लिए आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि 5 साल के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों तो आपको रिस्क जो है फैक्टर कम हो जाता है, इसके लिए वो लोग ऐसा इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको।
तो वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। और कभी भी आप स्टॉक लेते हैं कुछ या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों, तो आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर रहेगा उनसे ज़रूर कॉन्टैक्ट कर लीजिए, उनसे ज़रूर सलाह परामर्श करके आप स्टॉक ले सकते हैं दोस्तों। तो ये जो डेटा मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों, इसका आपको लिंक भी चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, हम बता देंगे। तो इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो दोस्तों। डाउनलोड करने के लिए आपको एक्सेल में डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड डेटा यह देखिए, डाउनलोड डेटा में जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों, आपको बता देते हैं कि यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे डाउनलोड होगा ये डेटा। डाउनलोड होने के बाद इसमें क्या दिखेगा, इसमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिखेगा डाउनलोड होने के बाद। अभी यहाँ पे डाउनलोड कर रहे हैं, डाउनलोड हो रहा है दोस्तों अभी ये फिलहाल। तो तब तक आपको और एक चीज़ बता देते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको अगर कोई पर्टिकुलर साइट का भी देखना है, अगर आपको डेटा डाउनलोड करने में कुछ तकलीफ हो रहा है बट पर्टिकुलर कोई स्कीम के बारे में देखना है तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको देखना है जैसे कि कोटक का बोल रहे हम लोग बता रहे थे, कोटक का देखिए, कोटक अपने डाला देखिए यहाँ पे कितना सारा कोटक का जो है ये आ गया, मतलब डिटेल्स आ गए कितने सारे कोटक के स्कीम का नाम आ गए। तो इसमें और एक फ़ायदेमंद ये है दोस्तों कि इसमें आपको स्मॉल कैप मिड कैप ये सब फंड का भी डिटेल्स दिखाएगा, कौन सा स्कीम कौन से इसमें चल रहा है। जैसे कि ये देखेंगे कोटक का ब्लू चिप फंड जो है लार्ज कैप पे है, कोटक का सिक्योरिटी मिड कैप जो है मिड कैप पे है, तो वो सब आप मल्टी कैप पे है मिड कैप, तो वो सब आपको डिटेल्स दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोटक का स्मॉल कैप, वो तो नाम भी पता चल रहा है स्मॉल कैप में है, तो ये सब डेटा आपको मिल जाएगा। और जैसे ही एक्सेल डाउनलोड हो जाएगा दोस्तों, उसमें आपको ये जो है अलग अलग से पार्ट से दिखाएगा कि कौन सा कैप का है, ये लार्ज कैप है, मल्टी कैप है, मिडिल कैप है या फिर स्मॉल कैप है, तो जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा दोस्तों। तो वीडियो को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, आगे ना बढ़ते। अगर आपको अच्छा लगा रहेगा दोस्तों तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।